अस्सलामुअलैकुम। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि सर्दियां हैं, तो अपने कोट्स शेयर करूं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है हुमैरा, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ अक्सर देती रहती है, तो उससे मुझे कहा था कि मैं अपनी कोट्स भी दिखाऊँ। शॉल्स के साथ ही मैंने कोट्स वाला भी करना था शो, लेकिन वो लेट होते होते आज का दिन आ गया। अब सर्दियां तो जा रही हैं, लेकिन अभी भी इतना लेट नहीं हुआ। मैं आपके साथ अपने कोट शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेरा यही ब्राउन कोट है, जो कि एक्चुअली मैं अभी पहनने भी लगी हूँ, और मुझे ब्रोचेस का शौक है बहुत। तो मेरे पास पहले तो काफ़ी ज़्यादा ब्रोचेस थे, अब कुछ अब तीन हैं मैंने रखे हुए, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, और ये उनमें से एक ब्राउन कोट है मेरा, और ये मेरा एक ब्रोच है जो मेरी एक फ्रेंड बुशरा ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैंने अभी तक रखा हुआ है बहुत संभाल के। बेसिकली तो वैसे जो लोग सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं, उनके पास तो बहुत कलेक्शन होती है, लेकिन हम लोगों को इतनी, हम लोग ज़्यादा जो हमारी सर्दी है वो एक गर्म शॉल के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेरा कोट है ब्राउन बेसिक, मेरे पास एक दो ही कोट्स हैं उनमें से एक। अच्छा जी, ये वाला कोट मेरा ब्लैक एक है, ये लेदर का है, ब्लैक लेदर टाइप है, और ये है ज़ारा का, और इसके साथ भी मेरा एक ये ब्रोच लगा हुआ है जो इसके ऊपर ही लगा रहता है। तो ये लेकिन मेरा बहुत फॉर्मल कोट नहीं है, ये मैं नॉर्मल पहनती हूँ, और ये बहुत हैवी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी के लिए नहीं है, वैसे कैजुअली भी जिस शाम को आप पहन सकते हैं। तो ये वो कोट है। ये मेरे ब्लेजर्स हैं दो, ये भी काफ़ी पहने जाते हैं। ये है एटमोसफेयर का, प्राइमार्क से मैंने लिया था मेरा ब्लेज़र एक है, और ये ज़ारा का है ब्लेज़र, और ये तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े से हल्के हल्के सीक्वेंसेस टाइप लगे हुए, और ये बहुत अच्छा और फॉर्मल लगता है। ये बहुत हैवी नहीं है, ये लाइट से हैं, बस इतने से हैं कि आजकल की सर्दी में इधर आप आराम से पहन सकते हैं इनको। मेरी ज़ारा की ही जैकेट है। अच्छा, ये क्योंकि टैग्स इसलिए लटके हुए हैं कि मेरी सारी नई ही जैकेट्स हैं। ये जैकेट है, ये ज़रा थोड़ी सी मोटी है, और ये भी यहाँ वाली सर्दी के लिए तो बहुत अच्छी है। तो ये जैकेट भी है। ये मेरे बहुत ही लाइट से दो ब्लेजर्स हैं जो कि मैं पहनती हूँ। अच्छा, एक और है, एक ये था, ये भी पाकिस्तान में इधर तो बहुत अच्छा यूज़ होता है, और बाहर भी जिस तरह बाहर भी मैंने काफ़ी पहना था। ये भी बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट है, अगेन न्यूट्रल कलर है इसका, और पहना है मैंने काफ़ी से। अच्छा, लास्ट में जो अब मैं कोट दिखा रही हूँ, ये मेरी बहुत मेरी एक समझे थोड़ी सी सोच के मैंने ख़रीदा था, और थोड़ा सा महंगा है, और वो ये मेरा ब्लैक कोट है। अब ये मैंने लिया हुआ है, ये लॉन्ग वुलन कोट है, और ये बहुत क्लासिक टाइप एक है, लंबा कोट है, ब्लैक है, और ये भी बहुत पहना जाता था जब मैं कभी बाहर रहती थी, और अब भी जब जाती हूँ सर्दियों में तो मैं अपना कोट ये साथ लेके जाती हूँ। जब भी कोई हम लोग इस तरह की चीज़ लेते हैं एक्सपेंसिव, या जो भी चीज़ आप ले रहे होते हैं, वो आपके पैसे तो उस पर लगते ही हैं, उसके अलावा ये भी होता है कि वो हमेशा के लिए आपकी कबर्ड का एक कोना ले लेती हैं, और आप सोचते हैं वहाँ से लिया था, इसको मैं रखूँ ना रखूँ, पहनूँ अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसलिए थोड़ा सा लेने से पहले अगर हम लोग रिसर्च कर लें, थोड़ा सा देख लें, किसी से मशवरा कर लें, या अब ऑनलाइन आप इंटरनेट पे बहुत सर्च आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको सूट करेगी, क्या चीज़ किसकी कहाँ पे क्या प्राइस है। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग अगर कोई चीज़ लें तो वो पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, और आप यूज़ भी करते रहेंगे। कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। होम टूर का आप सब लोग कह रहे हैं, वो बस कुछ दिन में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं।